बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपने चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम रियाज में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर बात करेंगे। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि रियाज में इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जिसके थ्रू 19 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी अरब में वजारत अफराधी कुत और समाजी बहबूद ने इकामा व मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 19 तारकिन वतन को रियाज में छापा महम के दौरान गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब न्यूज़ के मुताबिक मातहत रियाज लेबर ऑफिस ने मुतल्लिका इदारों के तआवुन से मुतअद्दिद तजारती इदारों में छापे मार कर इकामा व मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड तैयार किया है। इंस्पेक्टर ने 556 के दौरे किए और 43 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। 29 इदारों को इंतबाह जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।